अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तकरीम रहमान और आपको अपना सोना पंजाब में खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं जी जो जलालपुर के नाल अपडेट है उसके साथ। आपको आज अपडेट देने जा रहा हूं कि आज हमारे जो अत्थर में डिप्रेस कलवर थी वो आलमोस्ट जाना उसकी मुकम्मल हो चुकी है अपर साइड, और अभी उसकी जो साइडें हैं वो बनाई जा रही हैं। जो दोनों साइड से पानी आना है उनको गुजरने के लिए रास्ता बना दिया गया, जो आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी ये पीछे दीवारें बना रहे हैं, इस साइड पे दीवार मुकम्मल हो चुकी है और इस साइड ये पीछे दीवार जो है ना उसके ऊपर काम जारी है। ये दीवार जैसे मुकम्मल हो जाएगी तो ये इसकी दूसरी उल्टी साइड पर दीवार बनाना शुरू कर देंगे। अभी आपको अंदर से भी मुकम्मल दिखाता हूँ और जो जो वर्कर यहाँ काम करते हैं उनसे भी गपशप लगाने की कोशिश करते हैं। ये एक साइड पे दीवार बनाई गई है, ये आपके राइट साइड पे, और ये इसके सामने जो एरिया है इसके नीचे पानी खड़ा है क्योंकि रिसेंटली बारिश हुई है दो दिन पहले, और अभी यहाँ मशीनरी काफ़ी काम कर रही है। और ये अभी इस साइड पे शटरिंग जारी है, शटरिंग के बाद यहाँ पे भी मुकम्मल कर दिया जाएगा ये। और ये जिस जगह अभी ये ऊपर जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ यहाँ से पानी का रास्ता बनाया जाएगा, जो पहाड़ से पानी आना है ये उसके रास्ते के लिए ये सारा काम जारी है। और दूसरी तरफ भी मशीनरी काम कर रही है, आपको उस तरफ से भी मैं लाजमी दिखाता हूँ। काफ़ी जो है ना इसकी हाइट काफ़ी रखी गई है, आलमोस्ट ये तकरीबन 25 फुट से ज़्यादा ही बनती है, 25 फुट में भी बन जाए जिसकी अंदर वाली हाइट है उससे भी ज़्यादा बन जाएगी। और ये नीचे आप देख सकते हैं ये पानी गुजरने के रास्ते हैं, और बहुत बड़ा ये जो है ना डिप्रेस कलवर यानी बहुत बड़ा ये ब्रिज बनाया गया जिसके ऊपर से नहर ने गुजरना है, नीचे से पहाड़ी पानी गुजरेगा। अभी आपको मैं अंदर से भी ये दिखाता हूँ मुकम्मल। अच्छा, ये जो आप बना रहे हैं पुल ये कितने दिनों में तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी? इसमें 6 महीने लग चुके हैं इस वक्त तकरीबन, इसका काम जो है दूसरी साइडों पर जारी है। ये ऐसे चाल बनती जाएगी ऐसा, ये कंप्लीट तकरीबन हो जाएगा। ये जो इस साइड पे जो बनी है दीवार, ये आपने कितने दिनों में बनाई है साइड वाली से? वो साइड वाली जो तीसरा हिस्सा बनी है ये उसके ऊपर टाप तक जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर ये जो आपने जगह छोड़ दिया है यहाँ पे ऊपर भी कुछ बनाएंगे या फिर ये वैसे? ये दोनों साइडों पे सड़क आएगी, सड़क इसके ऊपर आएगी, मतलब वो सड़क बनाएंगे ऊपर। जी जी। और ये नीचे इसको भी कवर करेंगे, इसके कंक्रीट होगी, इसके साथ दो पोस्टर लगेगी, रास्ता यानी कि सेफ्टी के लिए बनाएंगे, दोनों तरफ लोगों के गुजरने के लिए भी रास्ता होगा। मतलब ये आगे इसका लास्ट जो चल रहा है वो कंधवाल में बना हुआ है या वो अभी होगा? अभी बनाना है, अभी अभी एक चाल बन रही है, एक आगे और रहता है। और एक और चीज़ बताएं कि ये जो बना रहे हैं आप शटरिंग कर रहे हैं ये कितने दिनों में कंप्लीट हो जाती है? ये एक दिन में, दो दिन में एक दीवार हो जाती है। तो उस साइड वाली दीवारें रहती हैं? जी हाँ, उस साइड वाली। तो ये तकरीबन मुकम्मल कब हो जाएगी? तकरीबन 3 महीने और लग जाएंगे। जी नाजरीन, तो आप लोगों ने सुना कि ये तकरीबन 3 माह और लग जाएंगे और 6 माह इसको हो चुके हैं, तो हमारी ये ब्रिज तकरीबन 9 माह में एक मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट भी आपको दूसरा जो चल रहा है काम वो भी दिखाते हैं साथ। हमारे गांव के काफ़ी बच्चे भी वहाँ पे देखने गए हुए थे ब्रिज को, और साथ साथ मेरे दोस्त भी गए हुए थे। तो अभी आपको साथ साथ ये बताता चलूँ, ये सामने आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, यहाँ से अंदर से पानी गुजरना है ब्रिज के अंदर से, और पीछे से नहर ने आना है। और ये जो ऊपर आप जगह देख रहे हैं जिसके ऊपर सरी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे साइडों पे दोनों साइड पे रोड बनना है, जो जलालपुर से रोड निकलेगा दोनों साइड पे नहर के लेफ्ट भी और राइट भी, और मुकम्मल जहाँ तक नहर जाएगी वहाँ तक ये रोड भी साथ साथ जाएगा। तो लोगों को जो अंदर छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ पर मोटरसाइकिलें और छोटी गाड़ियाँ हैं वो ईज़िली यहाँ से गुजर सकेंगी, ताकि वो बड़े रोड की तरफ जाना वो जाने की बजाय छोटे छोटे रास्तों को इस्तेमाल करके गाँव में भी जा सके साथ, और साथ ही साथ मौजूद शहरों में भी सफ़र कर सके। तो ये आप ऐसे कर समझ लें कि छोटे छोटे जो लिंक रोड्स होते हैं ये वो बन जाएंगे, दोनों तरफ बन जाएगा लिंक रोड। और ये जो अंदर से इसकी ब्रिज है तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है वो 30 फुट है, मे बी 30 फुट से भी ज़्यादा हो, मैंने कंफर्म तो नहीं की, लेकिन 30 फुट के लगभग ये है, और इसकी हाइट भी तकरीबन 20 से 25 फुट तक बन जाती है, बल्कि 20 से 25 फुट अगर हाइट बनती है। ये जो जो विड्थ है काफ़ी विड्थ है तकरीबन, आपको अभी ये दूसरी साइड आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड पे अभी वो बना रहे हैं, ये पहले यहाँ से इसका नीचे बनाएंगे फर्श बनाएंगे, फर्श बनाने के बाद ये शटरिंग भी साथ साथ जारी, और साथ मशीनरी जो है ना वो सामान भी इसमें वो मतलब सारा मटेरियल भी डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ ऊपर इसकी खुदाई करके रास्ता बना देंगे, और रास्ता बनाने के बाद पानी का बहाव जो है वो नीचे की तरफ छोड़ दिया जाएगा।
और दूसरी बात ये जो ब्रिज होंगे यहाँ पे इनकी मजबूती बहुत ज़रूरी है और 3 माह और लग जाएंगे इसके ऊपर। तो अभी चल रहा है फरवरी का एंड चल रहा है, तो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल मई तक ये तकरीबन ब्रिज मुकम्मल हो जाएंगे और दोनों तरफ रोड बाद में जो है ना वो उसकी भी काम शुरू कर देंगे रोड के ऊपर भी। तो इसके बाद ये आपको दोबारा कैंप दिखाने लगा हूँ। अभी कैंप में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, जो पहले आपको दिखाया था उसमें भी कुछ नई मशीनरी भी आई है, नया मटेरियल भी आया है, और साथ ही साथ इनके कैंप में आपको एंड वाला ब्रिज दिखाऊंगा जो हमारा अहमदाबाद और टोबा रोड है उसके ऊपर जो बना हुआ है पत्थर में, जिसके नीचे से नहर गुजरनी है, वो ब्रिज भी आपको एंड पे दिखाता हूँ। यहाँ पर गाड़ियाँ और उनका सारा मटेरियल जो है ना वो यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद अभी आपको मैं इसका जो है ना वो रास्ता वो दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से ये बाहर निकलते हैं और ये इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पानी वाली गाड़ियाँ हो गई या कोई भी आपकी गाड़ियाँ होगी। गार्ड भी बैठा हुआ था गेट पे, ये गेट है जी, यहाँ से गाड़ियाँ अंदर आती हैं इसमें और पीछे जाती हैं ब्रिज पे, और यहीं से लिल्ला और अहमदाबाद और टोबा का रोड है वो बना हुआ है। और सामने ये ब्रिज अभी कम्प्लीट होना है, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, सामने देख रहे होंगे ये इस ब्रिज के ऊपर वाले पिलर पड़े हुए हैं, इन पिलर्स को बाद में रखेंगे जब इसको कंप्लीट करना होगा और उसके ऊपर जो है ना वो रोड बन जाएगा। तो काफ़ी बड़ा ब्रिज बनेगा ये भी, और ये नीचे इसके नीचे से नहर गुजरेगी। तो शाम का बड़ा खूबसूरत मंजर है, जानवर घरों को वापस लौट रहे थे, तो मैंने कहा शाम के वक्त वीडियो बनाई जाए तो वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस जैसी और भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिले। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।